नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं सीएनएन न्यूज। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की प्रमुख खबर से। कहते हैं दुनिया गोल है और इस गोल दुनिया में फुटबॉल ही सबसे ज्यादा खेला जाता है। गली मोहल्लों में खेले जाने वाले इस खेल के साथ एक सबसे चर्चित शब्द जो जुड़ा गया वह है क्लब, यानी फुटबॉल और क्लब दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। खिलाड़ी क्लब से ही खेलकर देश और दुनिया में अपनी पहचान बनाते हैं, लेकिन उनकी वास्तविक पहचान आजीवन क्लब से जुड़ी रहती है। आज हम झारखंड के सबसे पुराने फुटबॉल क्लब का इतिहास आपसे साझा करने जा रहे हैं। झारखंड में फुटबॉल का इतिहास काफी पुराना है। एक न्यूज चैनल ने जब इस इतिहास को टटोलने की कोशिश की तो जिक्र आया 87 साल के एक बुजुर्ग केसी रवि का, जो शायद आज की तारीख में झारखंड के फुटबॉल के इतिहास के सबसे पुराने हस्ताक्षर के रूप में मौजूद है। 1935 में जन्मे फुटबॉलर केसी रवि ने बताया कि 1900 के शुरुआती दशक में ग्रामीण और शहरी इलाकों में जिस खेल ने लोगों को अपना दीवाना बनाया उसमें फुटबॉल सबसे आगे था। ग्रामीण इलाकों में हॉकी के साथ तब फुटबॉल भी खूब खेला जाता था, लेकिन शहरों में अंग्रेजों की मौजूदगी में फुटबॉल तेजी से पनप रहा था। 1927 में झारखंड में सबसे पहले रांची फुटबॉल क्लब को जमीन पर उतारा गया। उस समय फुटबॉल को करीब से महसूस करने वाले लोगों की कमी नहीं थी, जिसमें एक कांतू बाबा भी थे जिन्होंने रांची फुटबॉल क्लब की नींव रखी। उनके साथ रामचंद्र प्रसाद उर्फ नथुनी मुंशी और अखिलेश प्रसाद सिन्हा ने भी इसमें बड़ी भूमिका निभाई। बताया जाता है कि फुटबॉल के दीवाने तेजी से क्लब से जुड़ते गए। 1947 में जूनियर स्तर से खेलने के बाद केसी रवि भी इस क्लब से जुड़ गए। कांतू बाबू ने ही उस दौर में मुंद्रिका कप की शुरुआत की थी, जिसकी ट्रॉफी आज भी केसी रवि के ड्राइंग रूम की शोभा बढ़ा रही है। खबरों में अब तक लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर ऐसे ही किसी बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए सीएनएन न्यूज़।